or we'll be back and say, why are we meeting? Anybody who are kind of, or any of it. And if I'm going to be back, if we are at a meeting, or I are out, he was moving the beam, was then the beam, what the beam. One night we are at me, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي وكوبهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا يا يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات خاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने हमें पैदा करने के बाद इस दुनिया में बेनियाज नहीं छोड़ा, हमें आजाद नहीं रखा, बल्कि हिदायत की जिम्मेदारी उसने खुद कबूल फरमाई और ये उस पर वाजिब था कि वो हर दौर में नस्ल इंसानी की हिदायत का इंतजाम फरमाता रहे। ये जब वो खालिक है, पैदा करने वाला है, तो रुबूबियत की, तरबियत की, परवरिश की जिम्मेदारी उसी पर आयद होती है। लिहाजा उसने सामान्य हिदायत फराहम किया। ये हमारी दुनिया की जिंदगी रूह व मादे का एक खतीम इंतजार है। इस जिंदगी का तसव्वुर न हम बगैर रूह के कर सकते हैं, न बगैर मादे के। लिहाजा जरूरी था कि हमारी मादी तरबियत का भी इंतजाम किया जाए और हमारी रूहानी तरबियत का भी इंतजाम किया जाए। मादी तरबियत के लिए उसने इस दुनिया में आने के बाद हमारे वालिदैन को इतना जिम्मेदार करार दिया, लेकिन इस दुनिया में आने से पहले जिस वक्त हम बदले वादर में थे, जहां तरबियत परवरिश वालिदैन के दफ्तर से बाहर थी, वो मंजिल पर मजबूर थे, वहां फरायाज उसने हमारी तबीयत का इंतजाम किया, जिदा फराहम की और जो तरक्की के मराहिल होते रहते हैं उन तमाम मराहिल में उसने मुकम्मल तौर पर हिदायत फरमाई। और जब हम इस दुनिया में आए तो हमारी मादी तबीयत का जिम्मेदार हमारे माँ बाप को करार दिया। जिस तरीके से इस दुनिया की जिंदगी में हमारी मादी तरबियत जरूरी है, उसी तरीके से हमारी रूहानी तरबियत भी जरूरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि मादी तरबियत का जिम्मेदार वालिदैन को करार दिया, रूहानी तरबियत का जिम्मेदार रसूल और इमाम को बनाया। वो हमारी मादी तरबियत के जिम्मेदार है, रसूल और इमाम हमारी रूहानी तरबियत के जिम्मेदार है। सबसे पहले हिदायत का परचम जनाबे आदम के हाथों में आया, काफिले इंसानियत आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे फिक्रे बशर तरक्की की मंजिलों से गुजरती रही, उसी एतबार से, जमाने के एतबार से हिदायत करने वाले हावी आते रहे। यानी इसी जमाने के बाद जब हम देखते हैं कि जिस वक्त
खिलाफ ही उसने बदला है। और यही वो सिलसिला हिदायत था जो जनाब इब्राहिम तक पहुंचा। जनाब इब्राहिम को परवरदिगार आलम ने उस फैया से अदल ने मुख्तलिफ नेमतों से मालामाल किया था। कबाए नबूवत पहनाई, रिसालत की अबा दोष पर डाली, खुल्लत का राज सर पे रखा लेकिन इम्तिहान नहीं लिया, आजमाइश नहीं की। लेकिन वो बताए इमामत देने से पहले उसने कायराना सलाहियतों को जांचा। सूरह बकरा की 124वीं आयत इरशाद हो रहा है, वह इजिब तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। जब इब्राहिम को उनके रब ने, उनके परवरदिगार ने चंद चीजों के जरिए, चंद बातों के जरिए आजमाया, उनका इम्तिहान लिया, फअतम्महुन्ना, इब्राहिम ने उन बातों को पूरा कर दिया, यानी वो मंजिल इम्तिहान में कामयाब हो गए। ताला इन्नी जाइलो का इंसान से मामा, तो इरशाद परवरदिगार हुआ कि हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाएंगे। ये एक तरफ सनद भी है और दूसरी तरफ खुशखबरी भी है। इस खुशखबरी के साथ ही कल्ब सलीम में तमन्ना बेदार हुई, बारगाह के इलाही में करते हैं मोमिन सुरिया की पालने वाले और मेरी जुरियत मेरी औलाद इरशाद परवरदिगार हुआ। ताला यना रहती जालिमीन, ये मेरा होता जालिमीन तक पहुंचने वाला नहीं है। इंकार नहीं किया कि तुम्हारी औलाद में ये होता है इमामत नहीं रहेगा, बल्कि कयामत के लिए उसूल बयान कर दिया कि इमाम वो होगा जो जुल्म और जौर का खात्मा करने वाला हो, अदल और इंसाफ को कायम करने वाला। जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम होता है वो आदिल होता है, इंसाफ करने वाला होता है, वो जुल्म और जौर का खात्मा करने वाला होता है। और इसीलिए जब हम कुरान मजीद को देखते हैं तो उसमें जिन्हें अल्लाह इमाम बनाता है उनकी शान क्या होती है, उनकी अलामत क्या होती है, मुतासिब मकाम पर आया मौजूद है जिसमें उन अलामतों को हम देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। इसी कुरान में एक मकाम और इरशाद होता है, वजअलना मिनहुम अइमतन यदऊना, कि हमने उनको इमाम बनाया जो बुलाते हैं। वजअलना मिनहुम अइमतन, हमने उनको इमाम बनाया जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं, हमारे अम्र के जरिए हिदायत करते हैं, या वो हमारे अम्र के जरिए हिदायत करते हैं इसलिए उन्होंने सब किया। आयत का जो फिक्रा है वह लम्मा तवरु, क्योंकि उन्होंने सब किया था, वह कान में आया था यूकिनून, और वो हमारी निशानियों पर यकीन रखने वाले। तो इस आयत से जाहिर यह हुआ एक तरफ इमाम वो होता है कि जो आदिल होता है, इंसाफ करने वाला होता है, और दूसरी तरफ वो अम्रे इलाही से, हुक्मे इलाही से हिदायत करने वाला होता है और साबिर होता है, सब्र करने वाला होता है। जाहिर है कि अम्रे इलाही से हिदायत वही कर सकता है जिसके ऊपर अम्र नाजिल हो रहा हो, और जिस पर अम्र नाजिल होता है, हुक्मे इलाही नाजिल होता है, वही साहिबुल अम्र होता है। और यही साहिबुल अम्र वो है जिसकी हिदायत खुदा और रसूल की हिदायत के बाद हमारे ऊपर फर्ज करा दी गई। मशहूर और मारूफ आए करीमा है, या अय्युहल लज़ीना आमनू अत्तक़ुल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ये साहिबान ईमान तुम अल्लाह की हिदायत करो, रसूल की हिदायत करो और साहिबान अम्र की हिदायत करो। आखिर जब ये कुरान कयामत तक के लिए है तो इस दौर का साहिबुल अम्र कौन है, या उसकी मारिफत हमारे ऊपर जरूरी नहीं है, या उसको पहचानना हमारे लिए लाजिम नहीं है ताकि हम उसकी इताअत कर सकें। खुदा और रसूल की इताअत के साथ साथ वो आखिर साहिबुल अम्र है कौन, जिस पर अल्लाह का अम्र नाजिल होता है। अगर हम ये मान लें कि अपने जमाने का हाकिम, अपने जमाने का बादशाह वो साहिबुल अम्र है, तो क्या आज तक किसी भी बादशाह ने, किसी भी हुकूमत करने वाले ने ये दावा किया कि हमारे ऊपर अपने इलाही नाजिल होगा? और हमारे इलाही का नाजिल होना यकीनी है, इसलिए कि सूरह कद्र हमारे सामने मौजूद है जिसमें शब कद्र की फजीलत का ऐलान करते हुए इरशाद हुआ, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कद्र,
हमने कुरान को सभ्यता में नाजिल किया, वमादा हमारे के तुलबन, तुम क्या जानो कि सभ्यता में क्या चीज है, तुम क्या जानो कि सभ्यता में क्या चीज है, लेकिन उत्तर ये सही उन्हें लगते हैं, ये हलाल मनीमों से बेहतर है, तरह जरूर मरा एक तो मरू, पी आप एक तरह के लिए भूल ले आप, इसी रात में, इसी शब में, फरिश्ते आगे होते हैं, और उपलमीन आगे होते हैं, अल्लाह का अम्र लेकर, तो जब हर साल अम्र इलाही नाजिल होता है, तो आखिर किस पर नाजिल होता है, अम्र इलाही उसी पर नाजिल हो सकता है, जो साहिबुल अम्र, इसका मकसद ये है कि हर जमाने में साहिबुल अम्र का होना जरूरी है, और वही अल्लाह के हुक्म से हिदायत करने वाले और वही साबिर, लेकिन यही कुरान है कि जहां दूसरे मकाम पर अल्लाह जिन्हें इमाम बनाता है उनकी सिफत बयान कर रहा और नुरी हुआ नमून आया लती नस्तु से कुकिला कि हमने इरादा किया है कि हम उन पर एहसान करें कि इस रुबियत पर जिनको कमजोर बना दिया गया, जिनको मुस्तलाब कर दिया गया, जहीद कर दिया गया है, हमारा इरादा यह है कि हम उन पर एहसान करें। और फिर आगे इरशाद होता है वो सजलहुम अइमा, और हम इनको इमाम बनाए और इन्हीं को वारिस करा दें, इन्हीं को इमाम बनाए और इन्हीं को वारिस करा दें, और फिर जमीन की तमाम कुवतों को इनके हवाले कर दें, जमीन पर इन्हीं का इख्तदार कायम हो जाए, तो अल्लाह की जानिब से इमाम वो होता है कि जो आदिल हो, अल्लाह की जानिब से इमाम वो होता है जो साबिर हो, अल्लाह की जानिब से इमाम वो होता है जो आयात इलाही पर यकीन रखने वाला हो, अल्लाह की जानिब से इमाम वो होता है जिसको अहले दुनिया ने मुस्तज़ाब बना दिया, कमजोर बना दिया, ज़ईफ बना दिया, और अल्लाह की जानिब से इमाम वो होता है जो जमीन का वारिस होता है, तो जमीन का वारिस होता है, जमीन पर रहने वालों का वारिस होता है, और यही कुरान एक दूसरे मकाम पर आइम्मा की अलामत बयान करता है, वहां इरशाद होता है जहां चंद अंबिया का किया है, इरशाद परवरदिगार हुआ कि हमने उनको इमाम बनाया, हमने उनको इमाम बनाया और हमने उनकी जानिब वही की, वो नमाज अदा करते रहे, वो ज़कात देते रहे, उन नेकियों को बजा लाते रहे, हमने उनकी तरफ वही की जो नेकियों को बजा लाए, नमाज अदा करते रहे, ज़कात देते रहे, और फिर आखिर में इन्हीं हजरात के लिए इरशाद होता है और बाद में आबिदीन वो सब हमारे इबादत गुजार बंदे, वो नमाज कायम करते थे, नमाज पढ़ते थे, ज़कात देते थे, नेकियों को बजा लाते थे, और यही हमारे इबादत गुजार बंदे थे, तो जहां तमाम के साथ इमाम में पाई जाती है वहीं वो अल्लाह का मुखलिस तरीन बंदा भी होता है, वो नेकियों की तरफ बुलाने वाला, खुद नेकियां बजा लाने वाला, नमाज को कायम करने वाला, ज़कात अदा करने वाला होता है, और वो अल्लाह के मुखलिस तरीन बंदों में होता है, उसके अंदर अबदियत का मुकम्मल तौर पर जज्बा पाया जाता है, ये अल्लाह का नुमाइंदा होता है, वो इस जमीन पर अल्लाह का खलीफा होता है, वो इस दुनिया पर अल्लाह का नायब होता है, वो अहले जमीन का वारिस होता है, वो मुत्तकीन की पनाहगाह होता है, वो मोमिनीन का सहारा होता है, लेकिन इसी के साथ अगर हमने उस इमाम को नहीं माना जिसे अल्लाह ने हमारा इमाम बनाया है, हमने उन लोगों को अपना इमाम मुंतखब कर लिया कि जो दुनिया के बनाए हुए इमाम है, तो उनको भी अल्लाह ने सनद दे दी है कि अगर तुम्हारे दिल में इमामत का बहुत शौक पाया जा रहा है, तुम्हारे दिल में कायद बनने की बड़ी तमन्ना है, तो हम तुम्हें इमाम बनाते हैं, लेकिन कौन सा इमाम, वजअलनाहुम अइमतन यदऊना इलन्नार, उनको इमाम बनाया कि वो जहन्नम की तरफ लोगों को बुलाते हैं, वयौमल क़ियामति ला युनसरून, लेकिन ये ऐसे लोग होंगे कि इनके कयामत में कोई उज्रत और मदद करने वाला नहीं होगा, कोई नासिर नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा, और ऐसे ही लोगों के लिए जो खुद साख्ता इमाम होते हैं, जो खुद साख्ता इमाम बन जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए इरशाद होता है कि वातबानाहुम फी हाज़िहि दुनिया लाना, कि इस दुनिया में लानत उनके पीछे लगी हुई है, और ये जब रोज़े कयामत आएंगे तो कयामत में
उन लोगों पर क्या है कि जो अल्लाह की जानिब से माफ नहीं बनते बल्कि खुद खाती है, गुनहगार है, लेकिन फिर भी कयामत के लिए तैयार हो जाते हैं। जाहिर है कि ऐसे इमाम वो दुनिया के सिलेक्ट किए हुए इमाम हो सकते हैं, अल्लाह के सिलेक्ट किए हुए इमाम नहीं हो सकते। वो इलेक्शन के जरिए इमाम बन सकते हैं, लेकिन अल्लाह के सिलेक्शन के जरिए वो इमाम नहीं होते। अल्लाह इस जमीन में इंसानों में से जिसे भी मुंतखब करता है, जिसे चुन लेता है, उसके सिफात उसने बयान कर दिए कि वो अम्र इलाही से, हुक्म इलाही से लोगों की हिदायत करने वाला, सब्र करने वाला होता है और आयात इलाही पर यकीन करने वाला होता है। अगर इन तमाम आयात पर हम गौर करें और ये कुरान अगर कयामत तक के लिए है कि हमारा ईमान और अकीदा है, तो क्या जहन में ये सवाल नहीं पैदा होता वो कौन है जिसकी इताअत खुदा और रसूल की इताअत के बाद हमारे ऊपर फर्ज करा दी गई? वो कौन है कि तक्वा इलाही इख्तियार करने के बाद जिसके साथ होने का हुक्म दिया गया दिए गए मकाम पर आए नबी में साहिबान ईमान ही को तक्वा इलाही इख्तियार करने के बाद सालिकीन के साथ हो जाने का हुक्म दिया जा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना वत्तक़ुल्लाह वकूनू मअ सालिकीन, ऐ ईमान लाने वालों तक्वा इलाही इख्तियार करो और सालिकीन के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। सालिकीन की जमात का कोई फर्क आज मौजूद है या नहीं? हम कैसे मैयत इख्तियार करें? हम साहिबान इमान की इताअत किस तरीके से करें अगर कोई मौजूद नहीं है? अगर जहन में यह सवाल पैदा हो कि वो तो हमारी नजरों से गायब है, हम इताअत कैसे कर सकते हैं, तो मैं इतना ही अर्ज कर सकता हूँ कि जिस तरह गायब खुदा की इताअत हो सकती है, जिस तरह गायब रसूल की इताअत हो सकती है, उसी तरह गायब इमाम की इताअत भी हो सकती है। और गैबत तो हमारे बुनियादी अकायद में इस दुनिया की जिंदगी में वही परहेजगार हो सकता है, वही तकवा इख्तियार कर सकता है, उसी के दिल में खौफ इलाही होगा जो गैब पर यकीन रखने वाला। अगर गैब पर ईमान नहीं है, अगर गैब पर यकीन नहीं है, तो इंसान दीन की बुनियादों को, दीन के उसूलों को समझ ही नहीं सकता। तो ये हमें दावत दी गई है कि हम खुद साहिबुल अम्र की मारिफत हासिल करें। सिर्फ यही नहीं कि कुतुब किया, बल्कि अगर आप अहले सुन्नत की किताबों में देखें तो वहां की आयात भी इस सिलसिले में मुफस्सिरीन ने तफसीर में भी लिखा है और अहादीस भी मौजूद है कि अपने जमाने के इमाम की मारिफत किस तरह जरूरी है। मशहूर और मारूफ हदीस पैगंबर है कि मन मा तवलम यारिफ इमाम जमान इमाम तामी बदल जाएगा, कि जो शख्स भी अपने जमाने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। जाहिर है जो हमारे जमाने का इमाम है वही हमारे जमाने का सबसे बड़ा सच्चा है। तक्वा इलाही इख्तियार करने के बाद हमें उसी के साथ होना है। जो हमारे जमाने का इमाम है वही हमारे लिए साहिबुल अम्र है, उसी की इताअत खुदा और रसूल की इताअत के साथ हमें करना है। जो हमारे जमाने का इमाम है वही हमें नेकियों की तरफ बुलाने वाला है, वही हमारा निगहबान है, वही हमारा वारिस है। इसलिए कि अल्लाह ने उसे वारिस करा दिया है, उसे वारिस बनाया है, तो आखिर वो कौन है? या उसकी मारिफत हम हासिल कर सकते हैं? क्या उसके बारे में हम मालूमात फराहम कर सकते हैं? अगर वो कोई भी नहीं है तो ये तमाम कुरानी आयात और पैगंबर अकरम की और अइमाए मासूमीन की अहादीस, अभी ये कोई अफसाना तो नहीं है, ये कोई गलत चीजें तो नहीं है। तवातुर के साथ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आयात मुफस्सिरीन ने पेश की है और अहादीस भी बिलखुसूस यही हदीस कि इसमें मारिफत इमाम के ऊपर जोर दिया गया कि मन मातवलम इमाम ज़माने ही माता मीन बदल जाहिलिया, जो शख्स भी अपने जमाने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। इस हदीस में पैगंबर ने यह नहीं फरमाया कि जो अपने जमाने के इमाम को जाने बगैर मर जाए, बल्कि फरमाते हैं कि पहचाने बगैर मर जाए। इल्म और है, मारिफत और है, यानी सिर्फ अगर हम किसी के नाम से वाकिफ हो जाते हैं, किसी के खानदान से वाकिफ हो जाते हैं, मामूली तौर पर जान पहचान हो जाए
मतलब यह है कि हम उसके मिजाज से वाकिफ हो जाए कि वो उसका मिजाज कैसा है, वो किन बातों से खुश होता है, किन बातों से नाराज होता है। और यही इमाम है जो हमारे आमाल के निगरान है, यही उम्मत बदर की एक फर्ज है। लिहाजा हमें बारगाह इमाम में, बारगाह इमाम से फैज हासिल करने के लिए सबसे पहले मारिफत इमाम हासिल करना चाहिए। लेकिन आप याद रखें कि हम मारिफत इमाम उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक हम मारिफत पैगंबर अकरम ना हासिल कर लें। और मारिफत पैगंबर उस वक्त तक हमें हासिल नहीं हो सकती जब तक हम मारिफत इलाही ना हासिल करें, मारिफत खुदा ना हासिल करें। अमीर मोमिनीन ने यही फरमाया था कि अव्वल दीन मारिफत, दीन में पहली और बुनियादी चीज अल्लाह की मारिफत। अल्लाह की मारिफत का लाजिमा और नतीजा है रसूल की मारिफत। और रसूल की जब सही मारिफत हो जाती है तो इमाम अपने जमाने के अपने जमाने के इमाम की मारिफत भी हासिल कर लेते हैं। तो पहले हमें खुदा की मारिफत हासिल करना है, उसी खुदा की मारिफत के सहारे रसूल की मारिफत हासिल करना है। और रसूल की मारिफत के बाद हमें अपने जमाने के अइमा की मारिफत, लेकिन इमाम जमाना जो आज हमारी नजरों से गायब है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार भी जाहिर है कि यह बेकार और अबस नहीं है, बल्कि हदीस में इसे बेहतरीन अमल करार दिया गया है, बेहतरीन अमल करार दिया गया है। लेकिन एक फर्क है, यह भी हमें समझना चाहिए कि आखिर इंतजार का मतलब क्या है और क्या वाकई हम सच्चे मुंतजिर हैं। क्या हमें इमाम जमाना का उसी तरह इंतजार है जिस तरह प्यासे को पानी का इंतजार होता है? क्या हमें इन मुसीबतों से निजात पाने का उसी तरह इंतजार है इमाम जमाना का? उसी तरह हम बेचैन मुस्तैद और परेशान हैं जिस तरह तूफान में फंसी हुई कश्ती में बैठने वाला परेशान होता है कि कुछ समझ में नहीं आता कब हमारी जिंदगी खत्म हो जाए? क्या हम इसी तरीके से इंतजार करते हैं? आप याद रखें, ये इंतजार अगर इस इंतजार में तहरीक है तो इंतजार हकीकी है, और अगर इंतजार में जुनून है तो ये इंतजार रस्मी, रस्मी इंतजार की कोई हैसियत नहीं है बल्कि हकीकी इंतजार की दावत दी गई है। आज इस दुनिया के जो हालात हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब से ये दुनिया कायम हुई है उस वक्त से लेकर आज तक जितने अल्लाह के मुखलिस करीम बंदे हुए, खास तौर पर अंबिया और मुरसलीन और अइमा मासूमीन, क्या अहले दुनिया ने उनको मुस्तज़अफ नहीं बनाया? क्या उनको कमजोर नहीं बनाया? उनको कमजोर बना दिया गया, हालात के माहौल में उनको कमजोर कर दिया। बादे पैगंबर इस्लाम अमीरुल मोमिनीन के बाबुओं में वही कफल मौजूद था, वही जोश वही जज्बा था। लेकिन मुनाफिकीन के जरिए जो हालात पैदा किए गए तभी तो आज भी महबूब मलावा के खुदा गवाह है कि गले में हड्डी फंसी हुई है, यानी न गलते बने न वो गलते बने। अमीरुल मोमिनीन ही की जिंदगी, इन्हीं इमाम जमाना के अलावा और अजदाद की जिंदगी, ये जिंदगी ये दुनिया उनके लिए हमेशा कांटों का बिस्तर बनी रही, कभी फूलों का सेब नहीं बनने पाई। क्यों? जाहिर है कि इस दुनिया के नाशुक्र इंसान के अल्लाह ने जो हिदायत का सिलसिला जारी किया था, काश उस मरकज इल्म से लोग करीब होते, काश उस मरकज के करीब होते और फैज हासिल करते। लेकिन वहां कहने वाला कह रहा है कि तुम जो कुछ पूछना चाहो पूछ लो, और वहां पूछा जा रहा है कि हमारे घर में कितने में कितने बाल हैं। जाहिर है कि वो घुटन का माहौल अमीरुल मोमिनीन ही खुद पैगंबर अपने जमाने में मुस्तज़अफ कर दिए गए, कमजोर बना दिए गए। 40 साल तक पैगंबर की खामोशी, आप सोचे कि अहले दुनिया के हाथों साहिबान इस्मत पर किस कदर जुल्म हुआ है, किस तरह उनको कमजोर बनाया गया है, ऐसे हालात और ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है जिसमें एक अल्लाह का बंदा सिवाय घुटन के और कुछ नहीं महसूस करता। 40 साल तक की खामोशी, 40 साल तक जो खामोशी का दौर है, पैगंबर अपने करीब के उस माहौल को देख रहे हैं,
ऊपर क्यों काम होते हैं। मसला तैयारी और सबसे बड़ी मसला है ये कि देख रहे थे कि समाज उस मंजिल पर पहुंच जाए जहां मेरे पैगाम को कबूल करने की इतनी सलाहियत पैदा हो जाए। उस मंजिल पर पहुंचे कि अगर मैं कोई पैगाम दूं तो ये मेरे पैगाम को कम से कम इतने कुछ तो दो चार कुछ लोग ऐसे हों कि ये मेरे पैगाम की अफादियत को समझ सके। लिहाजा उसके बाद फिर जब हम दौरे अमीरुल मोमिनीन में नजर करते हैं तो बाद पैगंबर इस्लाम अमीरुल मोमिनीन को मुस्तज़ब कर दिया गया, कमजोर बना दिया गया कि अगर तलवार उठाते हैं तो दीन तबाह होता है और अगर नहीं उठाते हैं तो घुटन है, घुटन है, घुटन का माहौल है। यही वो चीजें हैं, हर इमाम के दौर में हमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी और जो मुस्तज़ब बना दिया जाता है जरीब थे नहीं, माहौल ने उन्हें सही बना दिया, कमजोर कर दिया कि अगर नाम करते हैं तब भी नहीं बनता, खामोश रहते हैं तब भी नहीं बनता। और इसीलिए हर इमाम के जहां हमें इसी किस्म की बातें मिलती हैं तो मैं अब ये कर रहा था कि वो मुस्तज़ब कर दिया जाता हकीकत में वही साबिर होता, वही सब्र करने वाला होता, लेकिन क्योंकि अल्लाह का नुमाइंदा होता है लिहाजा वो साबिर कदम रहता है, उसी मालिक की मर्जी के मुताबिक वो अमल करता रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त इस जुल्म व सितम से भरी हुई दुनिया में क्या जो कायनात ईमान यकीन है वो मुस्तज़ब नहीं करार दिए गए? एक बीदार शख्स क्या उसे इस माहौल में इस सोसाइटी में कमजोर नहीं कर दिया? एक छोटा सा मसला बच्चे की तरबियत का मसला, लेकिन सवाल यह है कि अपनी आगोश में पलने वाले बच्चे की तरबियत बिल्कुल दीन के खाते में हम कैसे करें? कहां तक अपने बच्चे को हम घर की चार दीवारी में पढ़ सकेंगे? कभी तो वो घर से बाहर निकलेगा, न पढ़ाए तब भी नहीं बनता, तब भी दुश्वारियां, पढ़ाए जो कॉलेज और स्कूल या यूनिवर्सिटी का माहौल है वो उस जहन को पराकंदा करने के लिए और फिक्र में कभी हैराब पैदा करने के लिए काफी है। न पढ़ाने से भी बात नहीं बनती, पढ़ाते हैं भी मुसीबत आती है। तो इसी यही वो दौर है, यही वो चीजें हैं कि जिसमें साहिबे ईमान मुस्तज़ब हो जाता है, खुद कमजोर है नहीं लेकिन माहौल ने कमजोर कर दिया। और अगर हर साहिबे ईमान हर दीनदार शख्स इस पर मुस्तज़ब कर दिया गया है, कमजोर बना दिया गया है दुनिया के ऐसे हालात है, तो दुनिया का इस वक्त तो सबसे बड़ा दीनदार कौन है कि जो दीन में मुजस्सम हो, जो इस दीन का वारिस हो, जो इस दीन का निगहबान हो, उससे बढ़कर कमजोर कौन होगा? सोचिए कि जिसके आबा व अजदाद की गुमनाम तारीख जिसकी नजरों के सामने हो, पूरी करबला जिसकी नजरों में हो, इमाम हसन की तारीख जिसकी नजरों में हो, और जिसने फिर सारे अपने जो बुजुर्ग गुजरे हैं इमाम उनकी तारीख पर नजर की हो, इसी के साथ अपने फलह बुजुर्गवार इमाम हसन अली अलैहिस्सलाम को सलाम का दौर देखा हो, और फिर गैबत सुग़रा का जमाना, गैबत सुग़रा के बाद गैबत कुबरा का दौर, इस वक्त यहाँ इमाम देख नहीं रहे हैं, नहीं हालात का मुशाहिदा कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ सब भी है, काबिर भी है और मुस्तज़ब भी है, कमजोर भी कर दिए गए हैं, लेकिन अल्लाह ने वादा किया कि हमारा इरादा यह है कि हम उन पर एहसान करें जो मुस्तज़ब कर दिए गए, कि हम उन्हें लोगों का इमाम बनाएं और उन्हें वारिस करा दें और जमीन की तमाम कुव्वतों को उसके हवाले कर दें, उसे जमीन का वारिस बना दें। जाहिर है कि ये दो साहिबान ईमान और यकीन के लिए एक इंतहाई दौर, एक घुटन का माहौल है, हर तरफ इख्तलाफ, हर तरफ इंतशार, पार्टी बाजी, पार्टी साजी, गीबत, बोहतान, तोहमत, इफ्तरा, परेशानियां, दुश्वारियां, क्या कौन सी मुसीबत है इस वक्त नहीं? तो इस दौर में जब हमारा वारिस पर्दे में है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? लेकिन इस गैबत का मफहूम क्या है? गैबत दो किस्म की होती है, एक है शख्स की गैबत और एक है शख्सियत की गैबत। शख्स की गैबत का मतलब यह होता है कि एक शख्स मुकम्मल तौर पर नजरों से गायब है, वो किसी को नजर ही नहीं आता कि वो कहां चला गया, कहां है,
मौजूद है लेकिन शख्सियत पर्दे में है, शख्सियत पर्दे गैब में है। जनाबे मूसा सबसे फिरौन में परवरिश पा रहे हैं, आगोश मूसा में है, शख्स पर्दे में नहीं है, मूसा सामने है लेकिन मूसा की शख्सियत पर्दे में थी। इसलिए कि जो पाल रहा था, परवरिश कर रहा था, वही बार बार ये कह रहा था कि हो सकता है कि वही बच्चा हो जो कायदों ने खबर दी है, नहीं वही बच्चा तो नहीं है कि जो मेरी हुकूमत का खात्मा करने वाला, जो मेरी हुकूमत को मुनहदिम करने वाला। शख्सियत मूसा सामने है लेकिन वो उनकी शख्सियत का ईमान नहीं रखता, उन्हें पहचानता नहीं। तो इमाम की गैबत का ये मतलब नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर यानी बिल्कुल हमसे राबता उनका टूटा हुआ है या राबता खत्म है, नहीं। वो इसी दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं, शख्स पर्दे में है लेकिन शख्सियत शख्सियत पर्दे में है। वो हमारे और उनके दरमियान जो पर्दा है लेकिन उनकी शख्सियत को पहचान नहीं सकते। मुमकिन है कि कोई बेकरार मुसरिफ इंसान आवाज दे और वो उसकी मदद के लिए आए, मदद उनकी तरफ से हो जाए लेकिन वो पहचान न सके। बाद रवायात में इशारा मिलता है कि जब हुजूर तशरीफ लाएंगे आपको दूर होगा तो बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि अरे हमने आपको तो खुदा मकाम पर देखा, हमने तो आपको खुदा मकाम पर देखा। तो शख्स मौजूद है, शख्सियत पर्दे में। हाँ, हम ये बिल्कुल इंकार नहीं कर सकते कि नहीं, क्योंकि शख्स भी मुकम्मल तौर पर जाहिर है, जाहिर है। हम इमाम को फिलहाल नहीं देख सकते, उनकी ज़ियारत का शरफ नहीं हासिल कर सकते, लेकिन इस गैबत के दौर में हमारी जिम्मेदारियां क्या है। शेख अब्बास सुन्नी अलैहिर्रहमान ने साहिबान इमाम यकीन के लिए 8 चीजों का जिक्र किया है कि दौर गैबत में एक कामिल ईमान शख्स की जिम्मेदारी क्या होती है, ताकि उसी के सहारे वो अपने जमाने के इमाम और अपने वारिस से रابطہ कायम रख सके। उसने सबसे पहली पहचान की क्या है कि अगर वाकई वो इमाम का मुंतजिर है तो सबसे पहली अलामत और सबसे पहला जो उसका पहला है वो रंजीदा और महजून रहे, वो रंजीदा और महजून रहे। और आप खुद इस बात का यकीन कर सकते हैं और मेरी बात की तय ताई करेंगे कि जो साहिबे ईमान है इस दुनिया के हालात को देखता है कि दीन के तरीके से पामाल हो रहा है, सुन्नत पैगंबर को मिटाया जा रहा है, बिदअतें जारी है, ईजादात का सिलसिला जारी है, हर तरफ अल्तजार और इंतजार का दौर है, साहिबान ईमान की जिल्लत और रुवाई के सामान फराहम किए जा रहे हैं, या एक साहिब ईमान के लिए ये माहौल घुटन का माहौल नहीं है, क्या हुजूम मलाल का माहौल नहीं है? नहीं, जब भी वो इस माहौल को देखता है, दीन को पामाल होते हुए देखता है, उसका दिल रंजीदा होता है, मुस्तरिब होता है, एक कैफियत पैदा होती है, एक तमन्ना पैदा होती है, वो आ जाता कि जो इस जुल्म और जबर से भरी हुई दुनिया को अदल और इंसाफ से कायम कर देगा। और हमें रवायात में मिलता है कि हर इमाम ने इस दौरे गैबत को याद करके आंसू बहाए। सही सैफी का बयान है कि मैं अवान इब्ने तगलब, मुफज्जल इब्ने उमर और अबू बकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हूं। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि इमाम जमीन पर बैठे हुए हैं और फरमाते हैं कि ए मेरे सैयद और सरदार, तेरी गैबत ने मेरे हुस्न को बढ़ा दिया, मेरी रात की नींद गायब कर दी है, मेरी आंखों से सैलाब रक्त जारी है। सरीर ने पूछा, मौला फरमान रसूल और आपको हर दफा मुसीबत से अपने अपनी आवाज में रखिए, कौन सी ऐसी ज्यादा मुसीबत पारी हुई कि इस वक्त आप इस तरीके से बेलार होकर रो रहे हैं? तो इमाम ने फरमाया कि मैं किताब जबर का मुतालिया कर रहा था जिसमें कयामत के हालात थे, मैंने पैगंबर के आखिरी वारिस की गैबत के जमाने के हालात देखे जिसमें साहिबान के ईमान का अकीदा मुतदद्दिल होगा और उनके चाहने वालों की बदामालियां हमारी निगाहों के सामने आई। और फिर किस तरीके से जो ईमानदार शख्स अपने ईमान पर बाकी रह पाएगा,
मैं इन्हीं बातों को सोच कर रो रहा हूं। ये तमाम चीजें हमारे लिए कमाई दुनिया है। आज से सैकड़ों वर्ष पहले साबिते आले मोहम्मद को अगर हमारी बदामियां रुला सकती है तो सोचिए हमारा हाल देखकर हमारे जमाने के इमाम पर क्या गुजरती होगी। आज जो हमारी कैफियत है, जो हमारी हालत है, क्या इमाम से देखकर खुश होते हैं? नहीं, वो खुश नहीं होते, वो भी रंजीदा होते हैं। इसलिए वो मुस्तरफ कर दिए गए, कमजोर बना दिए गए। हम अगर इस तो दौरे जहमत में गुनाहों की तरफ बढ़ रहे हैं तो गोया इमाम की जहमतों में इजाफे का हम सबब करार पा रहे हैं। अगर हम अच्छाई और नेकी की तरफ आ रहे हैं तो इमाम की जहमतों में कमी का सबब करार पा रहे हैं। जितना माशरा बद से बदतर होगा, ऐसा नहीं है कि जुहूर के बाद इमाम की तस्दीक लाएगी तो मुंह मार के सारी दुनिया को फौरन ही जज्बे सदन कर लो इंसाफ से भर देंगे। नहीं, बल्कि इमाम को इंतहाई मुश्किलें दरपेश होंगी, जहमतों का सामना होगा, बाकायदा पूरी दुनिया से मुकाबला होगा, पूरी दुनिया से मुकाबला होगा। कुफार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, बेदीन सब तो इमाम के मुकाबले पर होंगे, हुज्जत तमाम करेंगे आप। इसलिए कि आप ही की वो जात है कि जब आप आएंगे तो अल्लाह आपके जरिए अहले दुनिया पर मादी हुज्जत भी तमाम करेगा और मानवी हुज्जत भी तमाम करेगा। लिहाजा इस दौरे गैबत में हमें खास तौर पर मुंतजर रहना चाहिए और खुद नमलाज और इस खुद नमलाज के लिए कम से कम खुदा व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अगर उन दुआओं को सिला करा दें जो इमाम जमाना अलैहिस्सलाम का तवस्सुल इख्तियार करने के लिए हमारी किफायत कर सकती है, जिसमें खास तौर पर दुआएं जुमा रोज जुमा पढ़ने की रवायात में ताकीद दी गई है। और क्योंकि रोज जुमा एक खुशी और मसर्रत का दिन है, रोजे ईद है, और हर ईद का दिन वो इमाम के लिए खुशी का दिन नहीं होता, बल्कि गालिबन साबिते आले मोहम्मद जी ने फरमाया है या इमाम मोहम्मद बाकिर के सलाम का इरशाद है कि जब ईद का दिन आता है तो हमारे गम में इजाफा हो जाता है, इसलिए कि हम अपना हक दूसरों के हाथों पामाल होते हुए देखते हैं। दुआएं दुआ जो ईद उल फित्र, ईद कुर्बान, रोजे जुमा और ईद रबी में पढ़ने की ताकीद की गई है कि इमाम जमाना से तवस्सुल इख्तियार करने का एक बेहतरीन जरिया है। हम इस दौर को देखें, अपनी परेशानियों और उलझनों को देखें और फिर दीन की जिस तरीके से रुसवाई हो रही है, कुफ्र और इल्हाद के बादल जिस तरीके से पूरी दुनिया पर मंडरा रहे हैं, वाकई ये पूरा माहौल एक बीदार शख्स के लिए, को तड़पाने के लिए, उसे बेकरार रखने के लिए काफी है। और फिर दूसरी तरफ जो शेख अब्बास कुमी तरफ जो लिखाई हुई है, इस दौरे टाइबर में हम अपने ईमान की सलामती के लिए बराबर दुआ करते हैं। न जाने किस तरफ से शैतान का हमला हो जाए, कब वो हमारे अकीदे को बर्बाद कर दे और कब हमारे अमल को बर्बाद कर दे, हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए अपनी सलामती ईमान के लिए दुआ करते रहना। ईमान वही परवरदिगार सलामत कर सकता है कि उसकी बारगाह में हमें दुआ करना चाहिए, दुआ करना चाहिए पालने वाले तू ही दिलों की हालत का बदलने वाला, या मुकल्लब तू तब फिर अलगी अगानी, ये दिलों की हालत को बदलने वाले मेरे कल्ब को अपने दीन पर साबित रख, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख, या मुकल्लब तू तब फिर अलगी अगानी, दिलों की हालत को तू ही बदलने वाला, लिहाजा मेरा दिल तेरे ही दीन पर साबित कदम रहे, यानी अकायद भी बेहतर रहे और आमाल भी बेहतर रहे। और दूसरी तरफ इमाम जमाना की सलामती के लिए सदका निकालना, अगर हम अपनी सलामती के लिए सदका निकालते हैं तो इमाम जमाना की सलामती के लिए भी हम ये अमल अंजाम दें। हालांकि ईमान को ना हमारी दुआ की जरूरत है और ना हमारे सत्ते की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि हमारे सत्ते के जरिए उनकी सलामती होगी, नहीं, परवरदिगार उनका निगरान है, परवरदिगार आलम उनका निगरान है, उनकी हिफाजत करने वाला है, लेकिन ये चीजें रब का एक जरिया है, इजहार मोहब्बत
याद का एक तरिया है, तो चाहे इमाम के सिलसिले में दुआ हो कि ये चीजें हो, जिस तरीके से हम दुरूद भेजते हैं, उसका ये मकसद नहीं है कि पैगंबर अकरम और उनकी उनके अहले बैत की तारीफ को हमारी दुआओं की जरूरत है, बल्कि जो अल्लाह की तरफ से नुज़ूल रहमत हो रहा है उसमें हम ज्यादती के कारण दिए गए कि ला महदूद सिर्फ उसी की ज़ात, लिहाजा उसी ला महदूद ज़ात की बारगाह में हम दुआ करते हैं, तो अपनी रहमत में और इजाफा कर रहा हूँ। तो जहाँ हम अपनी सलामती के लिए दुआएं करते हैं, वही इमाम ज़माना की सलामती के लिए भी दुआ करें और सदका भी करें। फिर उन्होंने एक चीज तहकीक की है, इमाम ज़माना की नियाबत में हज के लिए जाना, हज के लिए भेजना, और इस सिलसिले में भी एक रवायत मौजूद है कि एक शख्स ने इमाम ज़माना की नियाबत में हज करने के लिए एक शख्स को कुछ रुपया दिया, और उसने अपने शराफी फर्जन को अपने साथ इसलिए लिया कि वो इमाम ज़माना की नियाबत में हज करे। जिस वक्त वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक नौजवान उसके सामने आया, और उसने कहा कि लोग तो तुम्हें इसलिए पैसा देते हैं ताकि तुम अपने जमाने के इमाम की तरफ से हज हो जाता, और तुम नियाबत में अपने शराफी फर्जन को भेजते हो, तुमने इंतहाई अनुसाबत का सबूत दिया है, कहीं तुम्हारी आंख जाया ना हो जाए। रवायत में है कि जब वो शख्स वापस आया है, कुछ दिनों के बाद उसकी वही आंख जाया हो गई जिस आंख की तरफ उस नौजवान ने इशारा किया। और दूसरी चीज ये कि जहां इस साहिबा के दौर में ये तमाम चीजें साहिबान ईमान के लिए हैं, वही आदीश में है जिस वक्त इमाम का नाम लिया जाए उस वक्त कयाम फरमाए, खड़े हो जाए, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो रस्मी, अगर ये सिर्फ बुजुर्गी के और अजमत के इजहार के लिए है तो इमाम से पहले जो आपके आबा और अजदाद अइमा जाहिल गुजरे हैं तो पैगंबर के लिए, लेकिन नहीं मिलता कि जब नाम आए तो इंसान कयाम करे, खड़ा हो जाए। और ये इस सिलसिले की तारीख में हमें रवायत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मिलती है कि जब आपके सामने इमाम का नाम लिया गया तो आप खड़े हो गए और अपना हाथ आपने अपने सरे अकदस पर रख लिया। ये कयाम एक अलामती चीज है कि गोया ये हमें दावत देता है कि जिस वक्त इमाम अगर हम नाम पकड़ खड़े हो रहे हैं तो कल जब दूर तशरीफ लाएं तो ऐसा ना हो कि जब वो आवाज दे तो उनकी आवाज पर लबैक कहें, बल्कि उस वक्त भी हम हकीकी कयाम करने वाले हों, कुफार के मुकाबले में उस वक्त हम हकीकी कयाम करने वाले हों, मुस्लिम के मुकाबले में मुनाफिकीन के मुकाबले में साहिबान ईमान का साथ देने वालों में हमारा शुमार हो, इमाम की नुसरत और मदद करने वालों में हमारा शुमार हो। ये चीजें हैं, बस आखिरी मंजिल और आपकी रहमत तमाम कर लूं कि ये जो हम इस दौरे गायबत में इंतजार कर रहे हैं, मैंने अर्ज किया कि इंतजार में अगर हरकत है तहरीक है तो ये इंतजार हकीकी है, और अगर इसकी इंतजार में जुनून है कोई तहरीक नहीं है तो ये इंतजार रस्मी है। और हकीकत में ये गैबत क्यों है, बहुत से अस्बाब इसके उलमा ने नकल किए हैं। एक तो मसलहत परवरदिगार के इंसान मुकम्मल तौर पर कहां वाकिफ हो सकता है जो भी उसकी मसलहतें हों, लेकिन एक खुली हुई चीज जो हमारी नजरों के सामने आती है कि आखिर इमाम फर्द-ए-ऐन में क्यों है, इस हमारे समाज और हमारे माशरे से वो आखिर क्यों अलग है, हम बराहरात उनकी खिदमत में क्यों नहीं हाजिर हो सकते, हम उनसे बैठ बराहरात क्यों नहीं हासिल कर सकते, आखिर इसकी वजह क्या है। आप याद रखिए कि इमाम इस जमीन पर अल्लाह की एक नेमत होता है, और कुफरान एक नेमत जब इंसान करता है तो यह परवरदिगार इंसान पर अजाब करके करता है कुफरान एक नेमत के नतीजे में। इमाम से पहले जो आपके आबा अजदाद हमारे इमाम गुजरे हैं, अजले दुनिया ने उनके साथ क्या किया, उन नेमतों से जब कुफ्र अख्तियार किया तो ये कुफरान नेमत का तरीके से अजाब है, लेकिन हर एक के लिए दौरे गैबत अजाब नहीं है, बल्कि साहिबान यकीन के लिए मुंतजरीन के लिए ये दौरे इम्तिहान है, ये इम्तिहान का जमाना है। और जो शक करने वाले हैं, जो मुनाफिकीन हैं, जो कुफार हैं, उनके लिए ये अजाब है। यही गैबत हमारे लिए साहिबान ईमान के लिए इम्तिहान है, और जो शक करने वाले हैं, मुल्हिद हैं, काफिर हैं।
ये जुल्म फितन का दौरा क्या हमेशा बाकी रहेगा, ये भूख और आवत की आधियां क्या हमेशा चलती रहेगी। कभी पहले इंसानी को क्या सुकून और इत्मीनान सुबह पर मिलने वाला नहीं है, तो अब वो कहती है कि नहीं, एक दिन यकीनन ऐसा आना चाहिए कि जब इस दुनिया से जुल्म दौर का खात्मा हो जाए और ये दुनिया हद को इंसाफ से भर जाए। हर शख्स जिससे भी आप मिले वो दुनिया की शिकायत करता है, सब चाहता है कि सुकून का माहौल, एक इत्मीनान का माहौल, लेकिन वो इत्मीनान का माहौल कब पैदा होगा? उसके लिए हमें अभी से कोशिश करना है। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, अगर हमारी जिंदगी में कोई तहरीक नहीं हुई, तो हम बारगाह इमाम में बोया जवाब दे। हमें हमने जुमूद नहीं होना चाहिए, बल्कि इस गैबत के दौर में भी तहरीक होना चाहिए। और ये इंतजार, ये हकीकत में जज्बा साबित को तलाश करता है, और जब इंसान में जज्बा सच्चा होता है तो उसमें कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है। कुर्बानी का जज्बा जब इंसान में पैदा होता है तो वो दीन की राह में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, आमादा हो जाता है। जहाँ एक तरफ हमें बारगाह इलाही में दुआ करना चाहिए, उस निजाम को कायम करने के लिए पालने वाले उस निजाम को कायम करने कि जो अरो इंसाफ का निजाम है, जिसके जरिए दुनिया के जुल्म फितन का खात्मा हो जाए, वही हम इजहार मोहब्बत में अपने जमाने के इमाम से भी इस्तगाफा किया करें, अपने जमाने के इमाम से भी फरियाद किया करें कि मौला ये फिराक कब तक, आका ये जुदाई कब तक, ऐ वारिसे करबला, ऐ वारिसे हिलो हरम, ऐ साहिबे जुदो करम, ऐ वारिसे तक्वा, ऐ वारिसे पैगंबर अकरम, ऐ मुंतकी में खून सुहरा, ऐ मुंतकी में खून हुसैन, ऐ अली के वारिस, ऐ हसन के वारिस, ऐ आइमा के वारिस। मौला आइए, आप देख रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या हैं। यकीनन आपको अहले दुनिया ने मुंतजम करा दिया, बना दिया, यकीनन आप सब्र करने वाले, लेकिन अल्लाह की तरफ से इस रूहे अर्ज पर इस दुनिया वालों के लिए हिदायत के लिए मुहैया किए गए हैं। मौला आप भी बारगाह इलाही में दुआ करें और हमें अपनी दुआओं में फरामोश न करें। यकीनन हम गुनहगार हैं, हमारे हाथ खाली हैं, हमारा दामन खाली है, हम आपकी बारगाह में कुछ पेश नहीं कर सकते, लेकिन आप तो करीम इतने करीम हैं, आप खुद परवरदिगार के नुमाइंदे हैं जिसने ये कहा कि देखो तुम हमारी रहमत से मायूस ना हो जाना। आप इस रूहत पर रहमत इलाही हैं, आपकी जात से हमें मायूसी नहीं है। यकीनन जब भूख इलाही होगा तो आप हाजिर होंगे, अदल और इंसाफ इस दुनिया में कायम करेंगे, जुल्म दौर का खात्मा करेंगे। और आइए इसी के साथ हम बारगाह इलाही में दुआ करें, और इस दुआ के जरिए हम खुद एहसास करें और सोचें कि जमाने का इमाम जब बारगाह इलाही में हमारे लिए दुआ करता है, अपने लिए दुआ करता है, तो इस दौर गैबत में हमें कैसा देखना चाहता है कि अगर वाकई हम उसके सच्चे मुंतजिर हैं, सच्चे इंतजार करने वाले हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां घटी हुई नहीं है, बल्कि इस दौर गैबत में हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा ज़िदना तौफीक अत्ताआत व बुअद अल मासिया व सिबल अल निया व इरफान अल हुमा व अकरिमना बिल हुदा व इस्तिकामा व सद्दिर अल सिनतना बिल सवाल व हिकमा व अमला कुलूबना बिल इल्म व अल मारिफा व तहदिर वुजूहना मिन अल अहराम व शुबहा व कुफ अयदीना मिन ज़ुल्म व सरिका و اغفر أبصارنا من الفجور والخيانة واستر أسمعنا من اللغو اللطيفة وتفضل علينا